rays of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से हाजिर हो आप सबके सामने एक नई सीरीज के साथ, जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी डायनाबॉल के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि मैं क्लीन फिटनेस जो हमारा चैनल है, इसमें मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन उन सभी एथलीटों को देने जा रहा हूँ जिसकी नॉलेज उनको जिम में नहीं मिल पाती और वो साइड इफ़ेक्ट के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास काफ़ी सारी इंक्वायरीज आ रही थी, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए कि आप इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है एनाड्रॉल के ऊपर, जो कि मोस्ट पावरफुल एनाबॉलिक स्टेरॉयड है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखें एंड तक, और जो भाई मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि एनाड्रॉल एक्चुअली होता क्या है। एनाड्रॉल को 1960 में यूएस के अंदर इसको बनाया गया था, और बेसिकली जो इसको बनाने का जो मोटिव था वो ये था, जो लोग अनीमिया से ग्रस्त थे, पीड़ित थे, जिनके रेड ब्लड सेल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कम हो जाते हैं, तो डॉक्टर उस स्टेज पर आकर के ड्रग्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों, ड्रग गलत नहीं है, ड्रग लेना, उसका एब्यूज़ करना बहुत ज़्यादा गलत है। अगर ड्रग लेना गलत होता तो डॉक्टर्स मेडिकल टर्म्स में लोगों को सजेस्ट नहीं करते और उन पेशेंट्स को ड्रग्स नहीं देते जो एंड स्टेज पे आते आते रिकवर कर जाते हैं। ड्रग्स की एक डोसेज लेना डिपेंड करती है आप किस लेवल तक उसको ले रहे हैं। तो पूरी जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों, एनाड्रॉल का जो केमिस्ट्री नेम है उसको कहते हैं ऑक्सीमेथोलॉन, और मार्केट में काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग नाम से इसको मार्केट में उतारती है, जैसे एनापोलॉन हो गया, एंड्रोलिक हो गया और एनाड्रॉल हो गया। स्क्रीन पे आप देख लीजिए, मैंने सारा डाला हुआ है। और दोस्तों, ये जो टैबलेट है ये ओरल फॉर्म में आती है, तो डॉक्टर्स ने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा रिकवर करती है, रेड ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से ये बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपने देखा होगा ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत लोगों को दिक्कत होती है, मतलब हड्डियों में आपने देखा होगा ना कि कहते हैं क्या होता है, जो जैसे हम कैल्शियम का इंटेक करते हैं, किस लिए करते हैं, बोन की उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन क्या होता है कई बार ना वो निकलने लगती है, ऊपर ऊपर की परत निकलने लगती है। तो जब ये चीज़ देखी गई ना, तो इसमें भी ये काफ़ी बेनिफिशियल रहा, मतलब वो चीज़ बहुत जल्दी रिकवर करने लग गई। तो डॉक्टर ने देखा यार इसके तो बहुत अच्छे बेनिफिट है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने देखा गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होने लगे हैं। साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इसके थे एज़ कम्पेयर टू इसके बेनिफिट। तो हम उसी के ऊपर पूरी बात करेंगे, और कैसे ये बॉडी बिल्डिंग में आया, कैसे ये स्पोर्ट्स के अंदर आया, और इसके साइड इफ़ेक्ट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कितने हद तक कर सकते हैं, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल क्या होता है, बहुत सारे बिगनर्स, बहुत सारे मीडियम लेवल के जो एथलीट होते हैं, जिम जाते हैं, उनको काफ़ी सारी चीज़ें दी जाती है, खा तो वो लेते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी गेन हो जाती है, बट एंड मोमेंट पे जा करके उनको ये नहीं पता लगता कि ये जब ये साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं इनको हमें कैसे रिकवर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे चैनल के थ्रू, क्लीन फिटनेस के थ्रू, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि वो ड्रग ले, बट ये मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो है। एज अ प्रोफेशनल एथलीट मेरे को ये सारी चीज़ें हर उस एथलीट को बतानी जरूरी है जो फिटनेस में जा रहा है। तो आइए इसके एडवांटेजेस के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले जो एनाड्रॉल है, ये हमारी बॉडी में वेट गेन करता है। जब ये वेट गेन करता है तो ऑटोमेटिकली आपका मसल गेन होने लगेगा। जब मसल आपका गेन होने लगेगा, आप वेट ज़्यादा मारोगे। तो जब आप वेट ज़्यादा मारोगे, उसका रीज़न क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो रेड ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाते हैं। जब बढ़ने लग जाते हैं दोस्तों, तो क्या करता है,
जितना ज़्यादा वो जितने ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल तक जाती है। तो जब मसल तक जाती है तो मसल की फुलनेस निखर के आती है, मसल की फुलनेस निखर के आएगी तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस भी आपकी बढ़ेगी। जब आपकी एंड्योरेंस बढ़ेगी तो रिकवरी टाइम आपका फास्टर हो जाएगा, रिकवरी टाइम फास्टर हो जाएगा, आप थका थका महसूस नहीं करोगे। ये इतने अच्छे इसके एडवांटेजेस है। साथ ही साथ ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी पीक पे ले जाता है और आपका प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज कर देता है। जब आपकी इतनी सारी चीज़ें एक साथ होती है तो ओवरऑल आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो बहुत पीक पे चली जाती है, एक राउंडेड शेप में, एक हार्डनेस शेप में आपकी बॉडी नजर आने लगती है। ये तो इसके थे एडवांटेजेस जो मैंने आपको बताए दोस्तों। अब चलिए बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। जितने एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं इससे ज़्यादा इसके साइड इफेक्ट हैं, और साइड इफेक्ट को कैसे हम रिकवर करेंगे, कैसे मैक्सिमम उसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल में लाएंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। साइड इफेक्ट में सबसे पहला जो इसका साइड इफेक्ट है दोस्तों वो ये है, ये लीवर टॉक्सिक है। जैसे कि मैंने बताया एंड्रोजन इसकी प्रॉपर्टी है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनाबॉलिक स्टेरॉइड माना जाता है ओरल टैब में। डायनाबॉल से भी 4-5 गुना ज़्यादा ये लीवर टॉक्सिक है, बिकॉज ये 50 mg में आता है और बहुत ज़्यादा लीवर टॉक्सिक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो जिनके ब्लड में आयरन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है वो कोशिश करें इसको कभी ले ही ना, ठीक है, क्योंकि ये लीवर टॉक्सिक है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मूड स्विंग करता है बहुत ज़्यादा, इसमें आपको गुस्सा आएगा बहुत ज़्यादा, आप सुन महसूस करेंगे। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ दोस्तों, जॉन्डिस इसमें हो जाता है। आपने देखा होगा आँखों के नीचे येलोइशपन आता है, नाखूनों में भी कई बार येलोइशपन आ जाता है, ये चीज़ें इसमें आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसमें क्या होता है दोस्तों, बॉडी के अंदर आपको ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा स्वेलिंग आ रही है स्टमक में, एब्डोमिनल के साइड में, पैनक्रियाज के साइड में, क्योंकि लीवर टॉक्सिक है तो ऑब्वियसली बात है पैनक्रियाज के साइड में ये आपको थोड़ा स्वेलिंग महसूस करेगा। इसके साथ इसका सबसे मेजर जो साइड इफेक्ट देखा गया है दोस्तों, ये आपके लीवर को बहुत फैटी बना देती है, बहुत ज़्यादा फैटी बना देती है। आपको पता है एक नॉर्मल लीवर और एक फैटी लीवर जब हो जाता है तो क्रॉनिक स्टेज पे भी पहुंच जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये सब तो इसके साइड इफेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। एक्ने आपकी बॉडी में आ जाएंगे, एक्ने भी बहुत बड़ा इसका एक वो भी है। तो ये जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताया ये तो होने ही होने हैं, लेकिन इसको हम रिकवर कैसे करेंगे? जब ये आप एंड्रोलिक टैबलेट ले रहे हो इसको हम रिकवर कैसे करेंगे, उस साइकिल में, उस पीरियड में आपको क्या क्या यूज़ करना है दोस्तों, ये मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं कर चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि हमारे बॉडी में 3 गेट होते हैं, ठीक है, जैसे लीवर, किडनी और हार्ट, मैंने आपको बताया। क्या होता है, हम कोई भी टैबलेट खाते हैं, अगर डॉक्टर भी हमें कोई टैबलेट खिलाता है दोस्तों, वो लीवर से होते हुए जाती है। तो लीवर और किडनी आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि आप ओरल ले रहे हो, ओरल लीवर से ही होते हुए जाती है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले लीवर डीएस जो लिक्विड फॉर्म में आती है हिमालय की, वो तो आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको मिल्क थ्रेसर चलानी है, सिलीमेरिन जिसका सॉल्ट होता है, वो टैबलेट आपको एक नॉर्मल केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी, वो आपको चलानी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, नेचुरल जो आपने देखा है पंसारी की शॉप होती है, वहाँ से जाके आपको दोस्तों क्या करना है, एक लाजवंती करके सीड्स आती हैं, वो सीड्स आपके ना टेस्टोस्टेरोन लेवल को इतना हाइक करके रखेगा कि जो सेक्सुअल प्रॉब्लम इससे, इसके साइड इफेक्ट से जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है वो आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। ये चीज़ आपको यूज़ करनी है दोस्तों, ये 3-4 चीज़ें मैंने जो आपको बताई है आपको यूज़ करनी है। साथ ही साथ दोस्तों कैल्शियम का इनटेक आपको इसके साथ करना है, कैल्शियम रेगुलर आप कराएगा, मल्टीविटामिन आपको चलानी है, फिश ऑयल की टैबलेट आपको चलानी है, ये चीज़ें तो आपको लेनी है। नेचुरली हर्ब्स आपको यूज़ करनी है, हर्ब्स में क्या क्या आएगी दोस्तों, आपको तुलसी, जो तुलसी के लीव्स होते हैं दोस्तों, तुलसी के लीव्स आपको यूज़ करने हैं। और सुबह सुबह जब आप ड्यूरिंग द साइकिल होंगे आपको एक दो गिलास गर्म पानी में दोस्तों एक चुटकी काली मिर्च, एक चुटकी दालचीनी पाउडर और 15-20 ml एप्पल विनेगर डाल के पीना है। वो क्या करेगा दोस्तों, वो डिटॉक्स करेगा पूरी बॉडी को, और जो मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए थे ना, स्वेलिंग आएगी, एक्ने होंगे, उसको वॉश करता रहेगा, स्टार्टिंग से वॉश करता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात करी थी एनाड्रॉल के ऊपर, एनाड्रॉल के मैंने आपको साइड इफेक्ट बताए कि स्पोर्ट्स में कैसे आया, कैसे पावर लिफ्टिंग में आया,
कैसे ये वेट लिफ्टिंग में आया और कैसे बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते हैं। तो आइए मैं एक छोटी सी बात आपको और बता देता हूँ कि किसको ये यूज़ करना चाहिए। पहली चीज़ तो दोस्तों, जितना हो सके अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि नेचुरली आप इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसकी जो डोसेज है वो 50 mg से ऊपर मैं रिकमेंड करूँगा कोई ना ले, चाहे वो बिगनर जाता है अपनी पहली साइकिल चलाता है डायनाबॉल वैन के बाद, वो 50 mg से ऊपर ना ले। और जो प्रोफेशनल एथलीट है जिनका वेट 90-100 के आसपास रहता है, वो इसको 2 tablets तक 100 mg तक यूज़ कर सकते हैं। ये तो थी आज की वीडियो, मोस्ट पावरफुल एंड्रोलिक ओरल, मोस्ट पावरफुल ओरल जो मैंने बताई आपको। सबसे ज़्यादा डायनाबॉल तो इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, ये तो 5 गुना ज़्यादा उससे ऊपर है। मैंने आज इसके ऊपर वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, जो इतने सारे मैसेज आप मुझे कर रहे थे। अब अगली वीडियो मैं दूसरे ओरल स्टैक पे भी बनाने वाला हूँ, तो मैं वो सब आपको बताऊँगा इन्फॉर्मेशन जो पर्सनली मेरे को पता है कि कैसे क्या क्या हो सकता है। और दोस्तों, जान है तो जहान है, क्लीन फिटनेस आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। आगे की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।